शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आपका इस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सबसे पहले हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जो कि प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए के प्रति अपना आभार या का अपना इशारा करता है। यह भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक अनुकरणीय कार्यक्रम के रूप में 2000-2001 में प्रारंभ किया गया अभियान है। प्रारंभ में यह योजना वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी तथा सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का संप्रत्यय क्यों आया और इसके आने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या क्या रही है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह बात कहूँगा, गांधी जी के इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए किसी भी अध्यापक को कि निरक्षरता हमारे लिए पाप और शर्मनाक है, इसका विनाश किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि निरक्षरता जो है वो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है और यदि कोई हमारे रहते निरक्षर है तो यह हमारे लिए भी शर्मनाक है और किसी भी प्रकार से एफर्ट करके प्रयास करके हमें निरक्षरता को समूल नष्ट करना ही चाहिए। साथ में यह भी सत्य है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा नागरिकों में विश्लेषण क्षमता का विकास करने के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी करती है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी क्रिटिकल एबिलिटी को इन्हांस करते हुए उसको अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन में किस प्रकार से उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और मानवता के लिए अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहिए, उसके ऊपर भी शिक्षा ही काम करती है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे शिक्षा को प्राप्त करने वाले अथवा शिक्षा को ग्रहण करने वाले के आत्मविश्वास का स्तर बहुत बेहतर बनता है और उसकी सामर्थ्य एवं दक्षता में निश्चित रूप से बढ़ोतरी आती है। हमारे देश में समय समय पर बनने वाली भिन्न भिन्न सरकारों ने शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएँ, उदाहरण के लिए जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना, या इसके अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना के अंतर्गत बालिका विद्यालय खोलने का काम किया गया जो कि लड़कियों के लिए स्कूल होते थे, और डिसएडवांटेज सेक्शन एससी एसटी या बिलो पावर्टी लाइन ओबीसी ऐसे या डिफरेंटली एबल लड़कियों के लिए यह विद्यालय ने अभूतपूर्व काम किया है और इसे बालिका शिक्षा में एक उछाल देखने को मिला है, बालिका शिक्षा में एक बेहतरी देखने को मिली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के साथ ही साथ मध्याह्न भोजन की योजना के भी बहुत बेहतर परिणाम हमारे सामने आए हैं। यह बात अब प्रमाणित हो चुकी है कि मध्याह्न भोजन की वजह से कम विद्यार्थी जो है विद्यालय आने तो लगे, एक्सेस जो है विद्यार्थियों का जो है वो बढ़ा है मध्याह्न भोजन के कारण। और इसके साथ साथ प्रारंभिक स्तर की बालिकाओं के शिक्षा के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना आदि की स्थायी और अस्थायी तौर पर व्यवस्था भी हुई है। इन्हीं योजनाओं में से एक बहुत क्रांतिकारी और एक बहुत लोकप्रिय योजना है सर्व शिक्षा अभियान। अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक शिक्षा से क्या जुड़ाव रहा है और यह जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षा में केवल पाठ्यपुस्तकों से ही सीखना शामिल नहीं है। यह बात हमें समझनी होगी कि केवल पाठ्यपुस्तक को पढ़ लेना, पाठ्यपुस्तकों को रट जाना, फैक्ट्स को याद कर लेना, इन्फॉर्मेशन को याद कर लेना ही शिक्षा नहीं होती है, बल्कि इसमें मूल्यों, कौशलों तथा क्षमताओं में भी वृद्धि की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान के साथ साथ मूल्यों का ज्ञान, कौशलों में निष्णात होना, क्षमताओं में वृद्धि इत्यादि काम भी शामिल हो जाते हैं। और
इन सब चीज़ों से व्यक्ति को अपने व्यवसाय और प्रगतिशील मूल्यों के साथ साथ एक नए समाज के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाने में भी सहायता मिलती है। जब कोई भी व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ मूल्य कौशल और क्षमता में भी निष्णात होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी व्यावसायिक योग्यता में समृद्धि होती है और वो समाज निर्माण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। इसलिए शिक्षा व्यक्तिगत स्तर एवं संपूर्ण समाज में बदलाव लाने के लिए स्वतः सिद्ध रामबाण कही जा सकती है और यह सब हासिल होगा प्रारंभिक शिक्षा के विकास से। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा ही ऊपर की शिक्षा की नींव है। यदि बेहतर प्रारंभिक शिक्षा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति बेहतर माध्यमिक शिक्षा नहीं ले सकता है और उच्च शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि प्रारंभिक शिक्षा किसी व्यक्ति की बेहतर है तो ही वो तैयार हो पाता है बेहतर माध्यमिक शिक्षा के लिए और शानदार उच्च शिक्षा के लिए। तो यह बात हमें समझनी होगी कि प्रारंभिक शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है और इस पर सरकारों को, समाजसेवियों को, एनजीओज को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत मजबूती के साथ मजबूत करने का काम करना चाहिए। ऐसे में हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कुछ इस प्रकार से प्रदान की जाएगी कि इसे कानून द्वारा निर्धारित किया जाए। अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्यों का निर्धारण भी किया गया है। यह बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। तो इन परिस्थितियों में हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ करने के पीछे सरकारों की मंशा क्या थी और इसके उद्देश्य क्या थे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सरकारों ने जो दिमाग में अपनी बात रखी थी वह कुछ इस प्रकार से थी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे गाँव में जहां अभी स्कूली सुविधा नहीं है वहां नए विद्यालय खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम, अध्ययन कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, विद्यालय सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाया जाए। सामान्यतया हम देखने में हमें आता है कि कई डिफ़िकल्ट जोन्स होते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में हो या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो। बहुत से ऐसे जोन्स हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ की विद्यालय नहीं है। और यदि कोई छोटा गांव है जहाँ की 50 या 100 परिवार रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे इसीलिए उन डिफ़िकल्ट जोन्स में भी नए विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी गई और कहा गया कि विद्यालय ही बच्चों के पास पहुँचे, विद्यालय इतने दूर ना हो कि कोई बच्चा विद्यालय तक ही नहीं पहुँच पाए। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान में नए विद्यालय खोलने की वकालत की गई। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो स्कूल पहले से विद्यमान हैं उनमें अतिरिक्त क्लासरूम बनाया जाए, अतिरिक्त अध्ययन कक्ष बनाया जाए, जिससे कि विद्यार्थी जो हैं वो उनकी संख्या भी बढ़े तो भी उनके पठन पाठन को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। इसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं किसी भी स्कूल में या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, प्रॉपर टॉयलेट्स और साफ पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था भी किए जाने पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बल दिया गया। इसके अलावा सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की कि यदि विद्यालय की बिल्डिंग, विद्यालय का भवन यदि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसको ठीक तरीके से मरम्मत करने का, उसमें सुधार करने की भी गुंजाइश बनी रहे, इसके लिए फंड एलोकेट हो सके, इसके लिए धनराशि प्रदान की जा सके। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वर्तमान में संचालित ऐसे विद्यालय जहाँ की अध्यापकों की संख्या अपर्याप्त है वह अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करना। भारतवर्ष में तो प्राथमिक शिक्षा में हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जो मात्र एक अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं। जिस दिन वो अध्यापक छुट्टी पर चला जाता है वह स्कूल अपने आप बंद हो जाता है, जिस दिन वह अध्यापक बीमार हो जाता है वह स्कूल अपने आप बंद हो जाता है।
तो सरकार ने इस मंशा से भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जहां कहीं भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी, एक से ज़्यादा या पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क बनाया जाना होगा, जो भी निर्धारित किया जाना होगा, जो भी व्यवस्था बनाई जानी होगी, उसके निर्माण पे भी बल देने की बात थी। साथ ही साथ तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर व टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाए। यह देखने में आता है कि एक बार अध्यापक यदि विद्यालयों में चला जाता है तो उसके प्रशिक्षण की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए सर्वशिक्षा अभियान में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी प्रावधान इस अभियान में किया गया। इसके अलावा शिक्षण प्रवीणता सामग्री, जिसे कि हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, के विकास के लिए भी अलग से फंड दिए जाने की भी बात पर बल दिया गया। साथ साथ कुछ इस प्रकार की भी व्यवस्था बनाने पर सहमति बनाई गई थी कि टोला या मतलब छोटे गांव, प्रखंड या जिला स्तर पर एक अकादमिक सहायता संरचना बनाई जाए, जिससे कि उसको मजबूती मिले और बच्चों के सीखने, पढ़ने और समझने की शक्ति को ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूत किया जा सके। चौथा जो उद्देश्य था वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। सामान्यतया हमारे यहाँ बालकों को तो शिक्षा प्रदान कर दी जाती है, जो परिवार है, जो जहाँ की पहली जनरेशन जो है, पहली पीढ़ी पढ़ने के लिए आ रही है, वो अपनी बच्चियों को, बालिकाओं को शिक्षा के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में नहीं भेजते हैं। तो यह भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा को, बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत किया जाए। पांचवा जो महत्वपूर्ण और आज के संदर्भों में ज़्यादा उपयोगी उद्देश्य था वह था कि देश में व्याप्त डिजिटल दूरी, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिजिटल गैप कहते हैं, को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने की बात की गई थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत से छोटे छोटे लक्ष्यों का भी निर्धारण किया गया था, और इन छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण जो किया गया था वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे, अब ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो छोटे छोटे लक्ष्य कौन से थे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सबसे पहला जो लक्ष्य था वह था विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापसी अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। सामान्यतया क्या होता है कि गरीबी की वजह से या बाल मजदूरी की वजह से बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जब उनकी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छूट जाती है तो उनको दोबारा से विद्यालयों में लाने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यह अभियान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि ऐसे बच्चे जो कभी न कभी विद्यालय में रहे और विद्यालय ड्रॉपआउट्स हो गए, उनको पुनः उनके ज्ञान और स्तर के मुताबिक विद्यालयों में लाया जाए। दूसरा लक्ष्य जो था वह था कि वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले समस्त बालकों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के लक्ष्य को हासिल। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु के जितने भी बालक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा आवश्यक रूप से प्रदान की जाए। तीसरा जो लक्ष्य है वह है कि वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले समस्त बालकों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के लक्ष्य को हासिल किया जाए। इसके अलावा चौथा जो लक्ष्य था वह था कि जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा की संतोषजनक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के साथ समस्या ये रही है कि सामान्यतः एक्सेस तो भारतवर्ष में हम लोग बढ़ा पाने में सफल हुए, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर आज भी प्रश्न चिन्ह उठता है। जब भी असर की रिपोर्ट जारी होती है तब हम देखते हैं कि कक्षा 2 में पढ़ने वाला, कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा जो है कक्षा 2 के मैथमेटिक्स के सवालों को हल नहीं कर पाता है, और ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 48 या 50% के आसपास रहती है। विभिन्न वर्षों में ये विभिन्न भिन्न भिन्न हो सकती है। तो सर्व शिक्षा अभियान ने
क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर जोर देने की बात कही। पांचवा जो है वह है कि वर्ष 2007 तक प्रथम चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा में लिंग एवं सामाजिक संबंधित अंतरालों को पाटना है। जो भी सोशल एक्सक्लूजन को सोशल इंक्लूजन में बदलने की बात समाज में सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जाने लगी और जो लैंगिक भेदभाव बच्चों के साथ विद्यार्थियों के साथ लड़के लड़कियों के बीच में किया जाता था उसको पाटने का काम भी करने का लक्ष्य 2007 तक रखा गया था। वर्ष 2010 तक सार्वत्रिक प्रतिधारण यूनिवर्सल रिटेंशन के लक्ष्य को हासिल करने की भी बात कही गई थी और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व में चल रही योजनाओं को सर्व शिक्षा अभियान के घटकों में शामिल किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह लक्ष्य जो कि प्राप्त किया जाना था उनको प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने से पहले भी जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी उन अभियानों के घटकों को हम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही समाहित कर उसको और बेहतर रूप दिए जाने का प्रयास किया गया। अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, एक एक करके और एक एक जो इसकी स्कीम्स हैं उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन योजनाओं ने भारतवर्ष में शिक्षा की दशा और दिशा को एक नए आयाम तक पहुँचाया है। पहली योजना जो है वो शिक्षा गारंटी योजना है, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन गारंटी स्कीम, और यह योजना जो है निरौपचारिक शिक्षा को 1 अप्रैल 2001 से शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा जिसे आंग्ल भाषा में एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन या EGSAIE की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है के रूप में परिवर्तित कर सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम 10 बालकों के उपलब्ध होने पर प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किए जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बहुत से डिफ़िकल्ट जोन होते हैं और उन जोन्स में कुल मिला जुला के छोटे छोटे गाँव होते हैं या आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई है तो बहुत समस्या आती है। तो सरकार ने इसके अंतर्गत कहा कि यदि 10 बच्चे भी होंगे तो हम एक विद्यालय प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करके उन 10 बच्चों को ही शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसे आंग्ल भाषा में कहा जाता है, इसमें विद्यालयों में अध्यापन सामग्री की पूर्ति से संबंधित इस योजना को वर्ष 2003 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बनाया गया। यह योजना जो है मिनिमम फैसिलिटीज़ की बात करता है। यह योजना कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की सामग्री होनी चाहिए, बेसिक सामग्री होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, चॉक डस्टर फर्नीचर होने चाहिए। तो कालांतर में और प्रकारांतर में ब्लैक बोर्ड योजना को भी हम लोगों ने या हमारी सरकारों ने सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया। अगली जो योजना है वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है, जिसे शॉर्ट में हम लोग DPEP भी कहते हैं। यह प्रोग्राम शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए चलाया गया था और इस कार्यक्रम में वर्ष 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना लिया गया। अब हम यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र या फोकस एरियाज कौन कौन से हैं। प्रमुख केंद्रित क्षेत्र या फोकस एरियाज को एक एक करके हम विश्लेषण उसका करेंगे। सबसे पहला है वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था का निर्माण करना। दूसरा है विशेष जरूरतमंद बालकों के शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की पूर्ति करना। तीसरा है सामुदायिक एकजुटता या संगठन के प्रयास करना। चौथा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छठा है संस्थागत सुधार करना। इसमें विशेष जरूरतमंद बालकों की शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की पूर्ति करना जहां तक बात है, उसमें यह बात समझनी होगी कि जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड है या मेंटली डिफरेंटली एबल्ड है या विजुअली डिफरेंटली एबल्ड है या हियरिंग डिफरेंटली एबल्ड है, इन सब बच्चों को भी कहा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाकर और उनको पढ़ाने लिखाने की कोशिश की गई।
शुरुआत में तो यह इंटीग्रेशन की तरह, इंटीग्रेशन इसको कहा गया, जिसमें कि इंटीग्रेट किया गया, मतलब पहले से ही बच्चे हुआ करते थे और उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डाला जाता था, लेकिन बाद में धीरे 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 इसको बिल्कुल इंक्लूसिव बना दिया गया। तीसरी जो बात है वो सामुदायिक एकजुटता या संगठन के प्रयास करना, सामाजिक रूप से लोग एकजुट हों और बच्चों में इस तरह का कोई भेदभाव ना रहे, यह भी एक प्रमुख एजेंडा था सर्व शिक्षा अभियान का। बालिका शिक्षा को बढ़ाना तो एक प्रमुख योगदान था ही इस अभियान का, इसलिए कि सामान्यतया जेंडर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ की पुरुष शिक्षा और महिला शिक्षा के बीच में जो गैप है वो सबसे न्यूनतम है, जबकि राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में यह गैप बहुत ज़्यादा है। पांचवा जो लक्ष्य था वो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। हम लोग यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि केवल क्वांटिटी को ही बढ़ा लेने से, केवल एक्सेस को ही बढ़ा लेने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कल्याण नहीं होने जा रहा है। यह कल्याण तभी संभव है जब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी सुधार हो। तो यह भी एक महत्वपूर्ण एरिया था, महत्वपूर्ण फोकस एरिया था सर्व शिक्षा अभियान का। छठा जो एरिया था वो था संस्थागत सुधार। इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल कल्चर पैदा किया जाना बहुत ज़रूरी है, और यह सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सातवां जो उद्देश्य था वो था सतत वित्त पोषण। सामान्यतया पढ़ाई लिखाई के लिए प्राथमिक शिक्षा में फंड की बड़ी कमी आती है। सामान्यतया हम देखते हैं कि बिल्डिंग जर्जर है और उसी में बच्चे अपने जान को रिस्क में लेकर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि ऐसे विद्यालयों को ठीक तरीके से मेंटेन किया जा सके और उनकी बिल्डिंग या अन्य कोई भी वित्तीय आवश्यकता हो उसकी ठीक तरीके से पूर्ति की जा सके। आठवां जो दायित्व है वो है सामुदायिक स्वामित्व का, और सामुदायिक स्वामित्व के अंतर्गत महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके एक सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि समाज के विभिन्न हिस्से भी विद्यालय के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके और विद्यालय के भी अध्यापकों को भी, प्रधानाध्यापक को भी और विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी समाज के विभिन्न तबकों के अनुभवों का गहरा लाभ मिल सके, इसलिए सामुदायिक स्वामित्व की व्यवस्था भी की गई, जिसमें कम्युनिटी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है और विद्यालय के विकास में, विद्यालय के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौवां जो विषय वस्तु है, नौवां जो एरिया है वह संस्थागत क्षमता का निर्माण करना। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत बेहद आवश्यक चीज़ है किसी भी संस्था के सर्वाइवल के लिए। दसवां जो है शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा में सुधार करना। कोई भी विद्यालय तब तक ठीक तरीके से नहीं चल सकता है, कोई भी स्कूल तब तक ठीक तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्कूल का प्रधानाध्यापक, स्कूल का प्रधानाचार्य, स्कूल का हेडमास्टर जो है वह प्रशासनिक रूप से दक्ष ना हो। जब इसीलिए शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में भी सुधार करने की कवायद की गई। 11वां जो बिंदु था वह था पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक निरीक्षण। कहा गया कि कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, चूँकि समाज के ही बच्चे जो है विद्यालयों में पढ़ते हैं, और समाज यदि उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेगा तो बच्चों का भविष्य और उज्जवल और सुनहरा होगा। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी इंस्पेक्शन की बात और कम्युनिटी इंस्पेक्शन की वकालत की गई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, और कहा गया कि विद्यालय जो है वो समुदाय के प्रति जवाबदेह होंगे और विद्यालयों की जवाबदेही जो सुनिश्चित की जाएगी वो समुदाय के प्रति की जाएगी, क्योंकि विद्यालय भी जो है वो किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी समाज का ही एक हिस्सा है, इसलिए उसकी भी जवाबदेही तय करना आवश्यक है। तो उसकी जवाबदेही जो तय की गई वो समुदाय के प्रति तय की गई। इसके अलावा बालिका शिक्षा पर बल दिया जाना, और सबसे आखिरी जो है वो विशेष समूहों पर ध्यान देना, जिससे कि एक समरसतापूर्ण समाज का निर्माण कर सके। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या धार्मिक मतलब रिलीजन के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है या लिंग्विस्टिक बेस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो है हम लोग कम कर सके,
इस पे बल दिया गया। कई बार जो है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत जीवन भर के लिए विद्यार्थियों में एक भावना घर कर जाती है, तो ऐसी भावना कोई घर ना कर पाए इसलिए विशेष समूह पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। अब हम बातचीत करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के किन किन अभिकरणों की भूमिका को सर्वोपरि रखा गया है। तो यह बात हमें समझनी होगी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसे कि न्योपा कहते हैं, NUEPA न्योपा, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक शिक्षा परिषद जिसे NCTE कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके अलावा राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जिसे SCERT कहते हैं, और शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण के राज्य संस्थान जिसे CMAT के नाम से अभिहित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण और महती जिम्मेदारी, महती भूमिका तय की गई। सर्व शिक्षा अभियान का फोकस संस्थागत सुधार के लिए विभिन्न विकल्पों पर रहा है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का फोकस जो है संस्था सुधार के लिए किन किन विकल्पों पर रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें यह बात समझनी होगी कि सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए मौजूदा शैक्षिक पद्धति का वस्तु परक मूल्यांकन करना होगा। जो भी अभी एजुकेशनल प्रोसेस है, एजुकेशनल मेथडोलॉजी है, उसको ऑब्जेक्टिवली असेस करना होगा, जिससे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ स्कूलों में उपलब्धि स्तर को, स्कूलों के जो अचीवमेंट लेवल है उसमें समृद्धि, उसमें वृद्धि की जा सके। वित्तीय मामले को विकेंद्रित कर और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करके राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा करके और शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की तैनाती को तर्कसम्मत बनाना इस अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण काम था। इसके साथ ही साथ मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सुविधा विहीन वर्गों के लिए शिक्षा, निजी विद्यालयों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था संरक्षण एवं शिक्षा जिसे ECCE भी कहते हैं, संबंधी मामलों के देख रेख के विकल्पों पर प्राथमिक अनिवार्यता एवं समय समय पर उचित वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ विशेष ध्यान दिए जाने की वकालत की गई है। अब हम यह समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्त का प्रबंध कैसे किया जा रहा है, वित्तीय व्यवस्था के लिए कौन सी पॉलिसी, कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है। हम यह बात ठीक तरीके से जानते, समझते और महसूस करते हैं कि वित्त एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है एजुकेशन में। बिना वित्त के काम करना शिक्षा के क्षेत्र में संभव नहीं होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वह केंद्र एवं राज्यों की साझेदारी से संचालित एक अभियान है। इसमें केंद्र और राज्य अपनी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 के दौरान थी, 85% खर्च केंद्र सरकार द्वारा एवं शेष 15% खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया गया। शुरुआत में इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर ज़्यादा रखी गई और धीरे धीरे राज्य का शेयर जो है वो बढ़ाया गया। आप आगे देखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 और 2007 में थी, में इस सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल खर्च का 75% केंद्र सरकार के द्वारा और शेष 25% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया गया। इसके बाद वर्ष 2008 से समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में यह भागीदारी कुल खर्च में आधी आधी बांट दी गई है, अर्थात 50% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 50% खर्च राज्य सरकार के हिस्से में आएगा। और इस प्रकार से व्यवस्थित प्रबंधन के कारण सर्व शिक्षा अभियान अपनी उपलब्धियों को हासिल कर पाया है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां जो रही हैं वो दो संदर्भों में महत्वपूर्ण रही हैं। पहले तो प्रतिधारण के, रिटेंशन के संदर्भ में, और दूसरा जो है नए विद्यालयों की स्थापना और विद्यालयों में पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, कक्षाओं का निर्माण आदि कारणों से यह महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार से इस वार्ता में हमने सर्व शिक्षा अभियान के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हुए, उसकी उपलब्धियों को समझते हुए, हमने उसमें कौन कौन सी एजेंसीज थी और किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान भारतवर्ष में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान और
आज़ादी के बाद से सबसे सफलतम अभियान के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, इस पर विचार विमर्श किया। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।